आज छुन्नू को एक कुत्ता खा जाता था। कैसे? मैं तुम्हें बता नहीं सकती। छुन्ना को जैसे छोड़ा ना मैं भी, वो एक और बंदा था उसने अपना डॉग छोड़ दिया, कहता नहीं नहीं फ्रेंडली है, फिर उसने मुंह खोलते हुए सीधा छुन्नू पे अटैक किया है और छुन्नू गेट की तरफ भागे बाहर जाने के लिए, उसका सुसु निकल गया। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और ये देखिए ये सब हो रहा है, ये सब तैयार है। मेरे बच्चे आज कोको कुछ ज्यादा ही पहचान रहे मुझे दूर से, अब आएंगी ये सारी ककड़ी की दीवाने। तो मैं आपको अभी अविनाश से मिलवाती हूँ एंड देन थोड़ी देर हम लोग हमारा टाइम लेंगे, क्योंकि उसके बाद रात तक अविनाश बिजी हो जाता है और आज मेरा वर्कआउट भी नहीं है। सो आई एम प्लानिंग की आज या तो चेरी या फिर कैंडी और छुन्छुन को लेके मैं डॉग्स पार्क जाऊंगी, साथ में अमिता को ले लूंगी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो डिसाइड करूंगी अभी क्या करना है, पता नहीं, क्योंकि छुन्छुन भी घर में बैठे ऐसे फील करती है कि यू नो इसमें एनर्जी इतनी ज्यादा है ना, तो आई थिंक एक बार इसको ले जाना बनता भी है, बाहर जाके डरती है, तो थोड़ा सा देख लूंगी कि क्या करना है। छोटे बाबा क्या कर रहे हैं? ये देखो यहाँ आ गई है, क्योंकि ककड़ी यहाँ पे है, ककड़ी दे दी जाएगी। ये लो ये कोको को भी खिला दे। ये लो गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं, गुड आफ्टरनून। लेकिन मैं तो सुबह गए उठा हूँ, वर्कआउट भी कर लिया था, काम कर रहा था कुछ, फिर तैयार हो गया। आज मेरी बेबी ने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करी है कि आज मेरे साथ कॉफी पीने चलो, बहुत दिन हो गए, कुछ दिनों से वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो मैं वर्कआउट करके आता हूँ और 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फिर बैक टू बैक जूम कॉल, मीटिंग्स, राइटिंग्स, कुछ ना कुछ चलता रहता है। 3-4 डेडलाइंस है जिस डेडलाइन पे काम खत्म करना है, इस वजह से वर्कलोड ज्यादा है। तो आज मैंने एक जो मेरा काम था 1 से 1.5 घंटे का उसको कैंसिल कर दिया और वो टाइम निकाल के मैं और मेरी भी जाएंगे कॉफी पीने, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, फोन को एकदम साइड में रख देंगे, पारी पारी करेंगे। और उसके बाद शाम को आज मेरी बेबी बच्चों को लेके जाएगी गार्डन में, क्योंकि छुन्छा अपनी एनर्जी नहीं निकाल पा रही है घर में। 3 जने तो नहीं मैरिज होंगे, छुन्छुन और कैंडी को ले जाती हूँ, कल चेरी को ले जाती हूँ। ठीक है, जैसे भी है, चेरी को अकेले ले जाना पड़ेगा। बेबी यार बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ में मिल रहे हैं ऐसे, आपको पता है इतना बिजी है कि रात तक ये सिर्फ जूम कॉल्स पे होता है और राइटिंग्स कर रहा होता है, इसके पास कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम, विच इज गुड, आई एम हैप्पी। लेकिन साथ में बेबी की दी हुई टी शर्ट तो पहनना याद रहता है, क्योंकि कपड़े खरीदने का भी तो टाइम नहीं है ना, तो मेरी बेबी जाती है, एक दो टी शर्ट मेरे लिए ले आती है और अच्छी अच्छी लाती है, तो मैंने पहन ली है। और अरे बेबी ये टी शर्ट पीछे से बहुत अच्छी है। हाँ इसमें वो है ना, मुझे नहीं पता ना, छिद्र है पता है मुझे, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ पीछे होल्स है ना, हवा पास हो सके। हाँ छिद्र दिखाई दे रहे हैं, दिखाओ सामने से, दिखाओ। बहुत स्मार्ट टी शर्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ वर्कआउट के लिए पहनना है, इसको नॉर्मल भी पहन सकते हैं। इसे मैंने पहना अभी, बस तो, मैंने तो प्यार से लेके दी थी और तो अब क्या चाह रही इसके बदले? क्या मैं खून से टी शर्ट पे तुम्हारा नाम लिख दूँ? चलो चलो चलेंगे जल्दी, चलो कॉफी पिलाओगी फिर मेरे को? सेम, हम तो पीते ही ब्लैक कॉफी है, मैं तो तुम्हें दूध वाली पीते हुए देखा भी नहीं कभी। वैसे तुम पी लोगे है ना? हाँ। तो आज भी वही पी लो, चलो कैपुचिनो पी लो। नहीं नहीं, एक्चुअली शाम को मैं एक दूध वाली चाय पीता हूँ ऑलरेडी, नहीं पीनी चाहिए। अरे एक तो पी सकता हूँ अभी, हार्ट ठीक है तुम्हारा? है वो गाड़ी चला लोगी? मैं चला रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, लेकिन कल वो कर दिया ना, क्या कहते हैं उसको, डबल बार डिप्स। हाँ वो करा दिए सर ने कल। बीबी तुम्हें पसीना आ रहा है कितना? आया हवा आई? हाँ भाई। तो बता क्यों नहीं रहे हो, इतना पसीना आ रहा है लिए जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलता क्या कि तुम पसीने में हो? अब आदत तो बसों की है ना, यही है कि शीशा खोल दो हवा आ जाएगी, अब एकदम से आदमी को मर्सिडीज दे दोगे तो क्या करेगा? बीबी ने अचीव की है मर्सिडीज, ये तुम्हारी, उस पर तो सैम लिखा है। Oh my god, she's so cute. ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई। Okay, कैंडी। बहुत प्यारा। अच्छा भाई ठीक है, चालू की बारी है, अब चालू की बारी। मैं चालू की बारी हूँ, बाबा बाबा। अमिता एक ना बाल्टी में थोड़ा साबुन घोल दे अच्छा सा, मेरे को ना अपने जूते भिगोने हैं, जूते वो मिट्टी हो गए हैं, तो एक बार धो के डाल देती हूँ, क्योंकि अभी डाल देंगे आधे घंटे के अंदर तो सूख जाएंगे कल तक। ये मैं डेली पहनती हूँ ना ये वाले जूते, ये दोनों एक बार धो देती हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ ना, बहुत गंदे हो गए हैं, और डालना चाहिए ना। अमिता ये चप्पलें भी डाल देते हैं सारी, ये खेलने के लिए नहीं आपके। कोई मेडिसिन का बॉक्स है वो इधर ले आ, और एक कैंची वो जो नई वाली लाई हूँ वो ले आ, थोड़ी मेडिसिन ठीक करते हैं, क्योंकि अब मैं आई गई हूँ और ज्यादा आज कुछ करने के लिए है नहीं, तो कम से कम छोटी छोटी चीजें थोड़ी ठीक तरह से रख लेती हूँ। तेरे को तो सब
सबसे पहले चढ़ना है ना। चलो इसको ठीक करेंगे अब, और ये सारी मेडिसिन जो काम की है काट काट के रखते हैं, जो यूज हो चुकी है उनको अलग कर देते हैं। ये देखो चारों ऐसे जमावड़ा डाल के बैठे हैं शेरी वहाँ जूतों में। तो फाइनली जी दवाइयाँ सारी सॉर्टेड हो गई हैं, यहाँ पे रख दी है हमने। जो डब्बा हमारी रेगुलर उसका है, ये डब्बा बच्चों का, और बच्चों की बाकी भी दवाइयाँ जितनी भी है ना, इसमें दवाइयाँ जितनी पैकेट है वो यहाँ रख, और इसके ऊपर ना स्टिकर चिपका दे बच्चों का डब्बा। मैं लिख देती हूँ, स्टिकर है अपने पास। चल हो गया जी काम, तो जितनी जल्दी देखो खत्म हो जाए उतना अच्छा ही रहता है। ये दवाई खत्म क्यों नहीं हो रही है। अम्मी थोड़ी देर में आराम करने लगी हूँ, बच्चों के साथ रिलैक्स करूंगी, काफी दो अच्छे काम हो गए एंड आई एम फीलिंग गुड। एक्सरसाइज भी नहीं है आज, मतलब मैं ये भी दे दूँ उधर को ना छुट्टी, नहीं छुट्टी ना छुट्टा छुट्टी। देखो कैंडू क्या कर रही है ये ना, मेरा कैंडू मामा मेरा कैंडू है। ये कैंडी का मदरहुड जा क्यों नहीं रहा है, कैंडी का मदरहुड जा ही नहीं रहा। लोग कहते हैं कि 3 महीने में तो कुत्ता अपने बच्चे को छोड़ देता है, काट पीट देता है, ये तो नहीं छोड़ी भाई, इसका क्या करूं मैं। और बच्चा भी ऐसा निकला है कि पूछो मत, बच्चे को माँ काटती है तो बच्चा जवाब मांगता है कि मेरे को क्यों काटा है माँ। अरे लड़ पड़ी ना, बोला था ना अभी बदतमीज ना कुतिया ना होता। मम्मा घूमी घूमी करने के भी लेके जाएगी, बहुत शांत हो गई है ये, इसको कैसे चेंज करूं वापस। बच्चे के चक्कर में ना अपना जीवन ही इसने व्यतीत कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपकी मम्मा मैं हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। ए तू कहाँ गई है। ये पूंछे हिल रही हैं, इसका मतलब पापा आ गए हैं। छोटा बेबी मोटा बेबी खोटा बेबी के पापा आ गए, दो चुटिया वाले बच्चे के भी पापा आ गए। तुम क्यों कितना खुश हो रही हो, कोई आवाज नहीं कर रहा, तुम ही आवाज कर रही हो बस। अरे मैं अकेली थी ना बेटा, मेरा बहुत सुंदर लग रहा है जो बूंदी करके। उठाओ उसको, वो हमेशा वो ले जाती है। पापा एक्सरसाइज करके थक गए ना। ये मतलब मुंह ऐसा बना लेती है ना भोला सा, कोई क्या ही करे। कितनी क्लीन है पता है एकदम, हाँ। कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम क्लीन बच्चा। फुटबॉल कहाँ है बच्चे की, नहीं वाली फुटबॉल तो अंदर होगी ना, शाम को खेलेगा ना। मैं भी ले जाऊंगी इसको भी शाम को। देखो अगर साथ में अमिता है, एक जन अगर साथ में है, तीन को हैंडल करना मतलब देख लो। मैं दोनों को भी ले जाऊँ ना, अमिता और दीदी को, तो भी हैंडल नहीं होगी। ले ऊपर ले लो ना उसको। उसको क्यों काट रही है, उसके ऊपर क्यों चढ़ रही है। मैंने मेडिसिन वगैरह पत्ते वत्ते सब साफ करके सफाई करके एकदम इनके भी और अपने भी सब ठीक तरह से रख दिए, ने जूते भी धो लिए, मेरी साफ हो जाएंगी। कुछ और काम नहीं था ना, मैंने कहा आज ये कर लेती हूँ। तुम देखो बेबी अभी कोको भी कितना वो एक्टिव हो गया है कि उठ के बैठा हुआ है, वरना ये उठ नहीं पाता था लड़का, बैठा हुआ है ये। चल मेरा बट्टा। और क्योंकि आज मैंने अपनी बेबी को थोड़ा टाइम निकाल के दिया है, तो मेरी बेबी अब खाना निकाल रही है, मतलब इसलिए नहीं निकाल रही है, लेकिन वो प्यार प्यार में हो रही है ना अदला बदली। तो 4 बज गए बेबी, भूखे हो भाई, राजमा कितने टेस्टी लग रहे हैं। तुमने खाओगी मेरे को, थोड़े दिन छोड़ दो बेबी मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। यही प्यार था, प्यार यही है, मतलब मैंने नहीं खाना है, मैंने मेरे को कुछ भी नहीं खाना है। क्या खाना है, वो भी खाएगी राजमा। नहीं वो ककड़ी मांग रही है आज, ककड़ी दे दो मैं बच्चे को। फिर सारे बच्चों को देनी है ना, सबको दो ना फिर। एक एक नहीं होता ना भाई, 1 किलो ककड़ी लाओ, उनमें से एक एक सब खा जाएंगे, तुम्हें क्या मिला घंटा। तो जी तैयार हो गई हूँ मैं कैंडी और चेरी को ले जाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये तैयार हो गई है और नहीं मान रही तो नहीं मान रही है। लोग वो कह रही है मैं नहीं जाने दूंगी, बुरी तरह से रो रही है। अरे रुकोगे तो सही बेटा, अब मैं इन तीनों को लेके जा रही हूँ और दीदी और अमिता को भी साथ लेके जा रही हूँ। कोको अब यही रहेगा भैया, वो पॉसिबल नहीं है ले जाना। ये बॉल ले ले दोनों, छिंचा को मुझे, कैंडी को पकड़। दीदी अब चेरी को लेके आओ, बॉल ले लो भैया, बाकियों की लेंगे फिर ये बॉल। चलो आओ। ऑलरेडी इन सब ने इतना इरिटेट कर दिया ना, खासकर चेरी ने इतना हंगामा मचाया जिसकी जरूरत ही नहीं है, पागल ही हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनको नहीं ले जाएंगे, बस हम यहाँ पे सड़क पे छोड़ के जाएंगे। चलो मैं ले रही हूँ। मैं देखो यही सही ना, बदतमीजी शुरू का यही मुझे ना अच्छा नहीं लगता। चलिए ले बॉल, बॉल बॉल दे दो इसकी, बॉल कहाँ है ये लो, चलो आपकी बॉल, चलो चुप रहो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आते ही छुटकी पे दो बच्चों ने हमला कर दिया, हो रहे दो बच्चे उसने हमला कर, मतलब एक्साइटेड थी और इसने जो डर के मारे मेरा हाल किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी बहुत डरी हुई है। वो चुनचुन के पीछे भागी है दीदी, कैसे चुनचुन के पीछे भागी, वो ऐसा लगा ही नहीं था। वो देखो कांपती जा रही है वो, ये मिले बाबू का चुनचुन निकल गया। कुछ नहीं हो मेरी पापा को पता लगेगा ना, अविनाश को इतनी फास्ट हुआ है ना ये कि मैं इस चीज का वीडियो देखो, पूछ सब अंदर चली गई है उसकी। वैसे टू बी ऑनेस्ट जगह बहुत अच्छी है इनके खेलने के लिए, घूम सकते हैं खेल सकते हैं, जो करे करना चाहे वो कर सकते हैं।
मेरे को इतना बुरा लग रहा है मेरी बच्ची के लिए, बहुत डर गई है। मैंने क्या सोचा था, इसीलिए यू नो मैं कोशिश कर रही थी कि चेरी को ना लाया जाए यार। कैंडू आ जा बाबू, चुना इधर हूँ मैं। हाँ फाइनली चुन्ना थोड़ी सी ठीक हुई है, घूम रही है अभी, और चेरी ने डिसाइड किया है कि वो तीनों बॉल्स अपने पास रखेगी और बैठी रहेगी। ये भी हालत नहीं है खेलने की, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं किसी भी बॉल को। ये किसी और की बॉल है, ये दो घर की है, ये किसी और की है। अभी तो अभी थोड़ी सी चुन्ना भी थोड़ी ठीक हुई है। कम ऑन चुन्ना, कम ऑन कम ऑन, यू गुड गर्ल, कम चुन्ना लेट्स प्ले कम ऑन come on come on hey chuna chuna chirko go hello hi cutie chuna chuna friend you such a good boy oh my god achcha aisa karo gaya jaise hi main aank pe aake baithi hu chun se meri godi mein aa gayi hai ki mujhe kahin nahi jana lekin abhi thodi better hui hai matlab thoda sa khuli hai chalo ji ho gaya sabka gummi gummi to ho gaya hum log ab ghar jayenge nahi ab ye kisi aur ki ball hai cherry koi nahi lega wo kisi aur ki ball nahi leni sirf cherry ki leni hai ye galat baat hai didi wo feko dusri ball ha ये हमारी नहीं है। बहुत हो गया पहले दिन के लिए, बहुत ज्यादा आई है, फुल गई है सारी की सारी। तुझे ये छुट्टी मेरी गोदी में देख लो कैसे बैठी हुई है। एंड इट इज नॉट इजी टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर। मेरा नेक्स्ट अब टारगेट ये रहेगा कि मैं सिर्फ चेरी को लेके आऊँ या सिर्फ यू नो चुनचुन और कैंडी को लेके आऊँ। इट इज नॉट इजी, मतलब हम लोग कोशिश कर लेते हैं, लेकिन चार चार डॉग, क्योंकि कोई भी डॉग जो है जिसने खोला हुआ है वो हमें नहीं पता कि अटैक कर सकता है कि नहीं, तो उनको भी नहीं पता था एक्चुअली। वो डॉग आया और सीधा चुनचुन पे अटैक किया उसने, और वो मुंह खोलता हुआ आया था हमारा, और वो लोग भी बेचारे इतना सॉरी बोल रहे थे, बट देन उनका फॉल्ट नहीं था। डॉग का कभी भी पता नहीं होता कि कब वो क्या रिएक्शन होगा उसका, क्या एक्शन होगा उसका नेक्स्ट। तो आज मेरी चुनचुन की तो हालत खराब है, वो घर जाके ना अविनाश भी घबरा जाएगा। चल मेरे बेटा, संभावना बच्चों को लेके पार्क में गई थी, लग रहा है एंट्री हो गई है, देखते हैं क्या हालत है। अरे आज चुनचुन को कुत्ता खा जाता है। कैसे तुम्हें बता नहीं सकती, हमारी दिल की धड़कन है, एंट्री पूछो क्या हुआ है। मेरे को ये डर लग ही रहा था कि वहाँ और डॉग्स भी होंगे। नहीं बात ये नहीं है, बात ये की पता है दो को हैंडल फिर भी कर सकते हो, चेरी को ले जाना एक तो मानती नहीं है। ऊपर से चुन्ना को जैसे छोड़ा ना मैं भी, वो एक और बंदा था उसने अपना डॉग छोड़ दिया, कहता नहीं नहीं फ्रेंडली है, मुझे ये कह रहा, उसने कहा नहीं नहीं ये डॉग फ्रेंडली है मेरा, उसने मुंह खोलते हुए सीधा चुनचुन पे अटैक किया है, और चुनचुन गेट की तरफ भागे बाहर जाने के लिए, और शुक्र है गेट बंद था, लेकिन वो उसमें से भी निकल सकती थी ना, ये इतनी पतली है। फिर भी उसको किस टाइम पे हमने रोका है और इसको पकड़ा है, और उसका सुसु निकल गया, और ये आधे घंटे तक कांपती रही है, उसके बाद इसको नॉर्मल किया है। सच पे मैं तुम्हारी कसम ले रही हूं, आज इसके पीछे मैं भाग रही थी पानी, मतलब अगर ये नहीं टाइम पे उठाते ना, आई थिंक इसी ने उठाया, मेरे को तो होश ही नहीं है यार, तो बैठे हुए तो एकदम ही मतलब हो गया। लेकिन उसके बाद में बहुत खेली है, मतलब डॉग ना लिटरली वो बड़ा डॉग था, और इसको मतलब एक किलो प्लेट में खा जाता हूँ यार। मेरे को इतना दुख हुआ है ना बेबी, मेरे को इतना दुख हुआ है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। ना क्या हुआ बेबी, छोटी है, उसका सुसु निकल गया दो बार यार, मेरे को ये लगी रहा काऊ 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 करके ना ऐसे हुई है। बताओ इसका डर निकालने के लिए ले जा रहे हैं और डरती जा रही है। नहीं नहीं देखना पड़ेगा ना अब, ये इसको कैसे लेके जाना है वो भी देखना पड़ेगा, पानी पीने दो बच्चे को। अच्छा एक तो वो चेरी भी सुनती नहीं ना, सबकी बॉल लेनी है। चलो चलो नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो हम पानी पियेंगे, आ जाओ। जी मैं तो व्लॉग एंड करने लगी हूँ, क्योंकि अविनाश बहुत ज्यादा बिजी है, मेरे को आ रही है नींद, सोने जा रही है। गुड नाइट। तुमने मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। मैंने कॉफी का टाइम दिया था तुम्हें, वही सुबह का था, उसके बाद तो नहीं मेरे। उसके बाद कैसे दूंगा ना, इसीलिए तो सुबह दिया था ना। 11 बजेंगे ना तुम्हें? हाँ 11 तो बज जाए। चलो इसको 11 बजेंगे, और मेरा तो सुबह वर्कआउट है आज, मतलब आज मतलब कल सुबह वर्कआउट है। बजे सुबह ही है, 11 बजे का वर्कआउट है, वो तो दोपहर होती है मेरे, उसके बाद काम भी है ना मेरे। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। अरे आज मेरी गुड़िया का क्या हाल हो जाता है, मेरे बच्चे का, मेरे चुंचा पे हमला हो गया, अब मैं खुद लेके जाऊंगा चुंचा को। तुम ये और हल्का सा कुछ हो गया तो तुम मेरे को ही पकड़ोगे। कितनी खुश होगी, इसको लग रहा है मैं सोने आ रहा हूँ।